अच्छा, आपने इंडियन रेलवे में कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा, यहाँ से वहाँ गए होंगे छुक छुक गाड़ी में, और 2018 से पहले गए होंगे तो वहाँ पे कुछ बहुत सारी चीजें होंगी जो शायद अब 2019 में देखने को ना मिले। तो देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है, 2018 खत्म हो चुका है, 2019 आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे में सब कुछ पुराना हटा दिया जाएगा, सब कुछ नया आएगा। यहाँ पे कुछ प्रोसेस में कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें कुछ नई चीजें लाई गई है, तो हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब, हाँ 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 देखो अब। तो अगर आप ट्रैवल करते हो रेलवे में तो ये वीडियो आप पूरी देखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचो और भैया ट्रेन आपको ऐसे टाटा बाय बाय करते हुए जा रही हो। तो देखिए, पहली चीज जो बदलाव की जा रही है इंडियन रेलवे में वो ये है कि अब इंडियन रेलवे को कुछ एयरपोर्ट जैसा रूल्स एंड रेगुलेशन दिया जाएगा। अब देखो, उसको समझे तो ऐसा होने वाला है कि पहले जो ट्रेनें थी वो जमीन पे चलती थी, अब जो ट्रेन है वो हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी। ऐसा ही सोच लेना आप, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। एयरपोर्ट जैसा बदलाव, मतलब कि एयरपोर्ट वाले रूल्स एंड रेगुलेशन, वो कानून यहाँ पे इंडियन रेलवे में आपको देखने को मिलेंगे। और वो जो रूल होगा वो होगा सिक्योरिटी चेक इन का। अगर आप एयरपोर्ट पर नहीं गए होगे तो देखिए वहां पे क्या होता है कि डायरेक्ट आप जाकर प्लेन में नहीं बैठ सकते। इसके साथ एक चीज और होता है कि वहां पे जिस पैसेंजर को जाना है प्लेन के अंदर, सिर्फ वही एंटर करता है एयरपोर्ट के अंदर, बाकी उसको बाहर से गेट से ही बाय बाय करके आ जाते हैं। लेकिन इंडियन रेलवे में क्या होता है कि भैया यहाँ पे पैसेंजर जाता है एक और उसको छोड़ने के लिए जाते हैं 10-12 लोग। मतलब इंडियन रेलवे में मोस्टली ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म पे जो आप भीड़ देखते हो ना, उसमें जाने वाले होते हैं 30% लोग, छोड़ने वाले होते हैं 70% लोग। तो अब भैया यहाँ पे इंडियन रेलवे नया कानून लगाने जा रही है, उसके अकॉर्डिंग अब जो चेक इन होता है सिक्योरिटी चेक इन, मतलब कि आप जब अंदर एंटर करते हो प्लेटफॉर्म में, वहां पे बहुत ही खास ध्यान दिया जाएगा। पहले जहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन बस नाम की होती थी, मतलब बैग हाथ में है, उसको आपने मशीन में डाला या नहीं डाला, या किसी खोपचे से घुस गए प्लेटफॉर्म के अंदर, अब सारी चीजें नहीं होंगी। अब वो जितने भी ऐसे छोटे छोटे खोपचे थे ना जो आपको प्लेटफॉर्म के अंदर घुसा देते थे, वो सारे खोपचे बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 2-3 एंट्री होगी और जो कि पूरी कैमरे की निगरानी में होगी। इसके साथ ही यहाँ पे फेस डिटेक्शन कैमरे लगाए जाएंगे, मतलब कि अगर आप भगोड़े हो, इधर उधर से भाग के इधर से उधर भाग रहे हो आप, तो वहाँ पे जो कैमरेज हैं वो इतने स्मार्ट है कि वो आपको पकड़ लेंगे और इन्फॉर्म कर देंगे कि भैया ये जो बंदा है इस प्लेटफॉर्म के अंदर घुस चुका है, और फिर आप बहुत ही जल्दी पुलिस के हत्थे चल जाओगे। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे ये बोलना चाहती है कि अब आप अगर प्लेटफॉर्म पर जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप 20 मिनट पहले जाओ, क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक इन है वो अब बहुत तरीके से होने वाली है, तो वहाँ पे जो टाइम कंज्यूम होने वाला है वो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो अगर आप लेट गए और चेक इन होते होते भैया हो गया लेट, तो वहाँ पे वो आपकी बात नहीं सुनने वाले कि भैया आपकी ट्रेन जा रही है और आपको जल्दी से छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप 20 मिनट कम से कम पहले जाओ ताकि आपका प्रॉपर चेक इन हो जाए, सिक्योरिटी चेक इन हो जाए, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म में एंटर कर पाओ। दूसरी बड़ी चीज क्या आ रही है कि पहले जहाँ पे 2018 में आप एक आईडी से सिर्फ और सिर्फ 6 टिकट बुक कर सकते थे एक महीने के अंदर, अब आप 2019 में एक आईडी से कम 12 टिकट बुक कर पाओगे। कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा भी यही रहेगा, मतलब 12 टिकट बुक कर पाओगे एक महीने में एक आईडी से। लेकिन अगर आपने आधार कार्ड उस IRCTC अकाउंट से ऐड किया है तभी, नहीं किया है तो भैया क्षमा करें। अच्छा, तीसरी बड़ी चीज़ जो चेंज करने वाले हैं ना, वो काफ़ी ऑकवर्ड सा मोमेंट है। मतलब आपने कभी ट्रैवल किया होगा राजधानी वर्जधानी में, जहाँ पे बेसिकली केटरिंग सर्विस होता है, वो खाना वाना ला के देते हैं, तो ऐसा क्या है वो रात भर तो आपको अच्छे से खिलाएंगे, मक्खन उक्खन लगाएंगे, लेकिन सुबह ना एक थाली से लेके पहुँच जाते हैं और फिर ना आपको उसमें कुछ चंदा चढ़ाना होता है। तो मतलब वो चलो वो बात ठीक है, लेकिन ऑकवर्ड कब लगता है जहाँ पे वहाँ कुछ लोग होते हैं वो चंदे के नाम पे 1-2 रुपये रख देते हैं थाली में, तो भैया वहाँ पे ना वेटर या फिर वो जो अटेंडी है वो भी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि 1 रुपये जेब में डालूं या इसको मुंह पे फेंक के मारूं। लेकिन अब क्या है, 2019 में उन पे खास ध्यान दिया जाएगा कि वो अब आपसे पैसे ना मांगे। हालांकि इंडियन रेलवे पहले भी इनके साथ काफी सख्त हो चुकी है, लेकिन क्या अपने इंडिया में ना लोग जब तक मतलब बिल्कुल बवाल ना हो जाए ना, तब तक सुधरने वाले हैं नहीं। तो अब इस चीज पे खास ध्यान दिया जाएगा कि भैया चंदा अगर वो मांग रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मतलब चंदा शायद इतना महंगा पड़ जाए कि उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए। चौथी चीज जो बदलने वाली इंडियन रेलवे में वो ये है कि अभी तक अगर आप ट्रैवल करते थे तो भैया यहाँ पे ना आपको जो मेन्यू आता था, खाना आता था, उसमें आपको पता नहीं होता था कि कौन सा आइटम कितने का है। वैसे पता होता तब भी तो आप कुछ करते नहीं उसमें, लेकिन पता नहीं होता था, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है, अभी ऐसा है कि अभी जब आपको खाना आएगा तो उसके नीचे प्रॉपर एक मेन्यू आएगा जिसमें रेट लिखा होगा कि जो आप खा रहे हो वो कितने का खा रहे हो आप। क्योंकि क्या, जब तक अपने को पता नहीं होता ना कि कितने का है सामान, कितने पैसे लगे इसके, तब तक ना बंदा उसको ना वैल्यू नहीं देता है। अभी क्या, अभी उसको दिखेगा ना 50 रुपए का, 100 रुपए का, तो शायद आंख बंद करके जबरदस्ती का है कि यार 50 रुपए का है खाना,
करना पड़ेगा। और तो जो आपके खाने वाने बनेंगे भैया किचन में, वो 24/7 सर्विलेंस में होंगे, मतलब कभी भी चेक किया जा सकता है कि उस खाने को कैसे बनाया गया, उसमें छिपकली उपकली तो नहीं डाल दी, छिपकली गिर गई है तो उसको निकाला गया है कि नहीं निकाला गया। लगभग जैसे रोटी वोटी बनाई गई है तो उसमें जो नमक है वो यहाँ वाला डाला गया है या टाटा का नमक डाला गया है। फूड क्वालिटी वगैरह पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो भैया ये थी सारी चीजें जो इंडियन रेलवे में 2019 में आपको देखने को मिलेगी। अब आगे भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, रेलवे कुछ अनाउंस कर सकता है, लेकिन उसके लिए पता क्या है, वो चीज आपको तभी पता लगेगी जब आप ना यूट्यूब पे गैबी फेलो नाम का जो चैनल है जिस पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर ना नीचे एक लाल रंग का बटन आ रहा होगा, उसको आप दबाओगे ना तभी आपको ये सब पता चलेगा कि आने वाले टाइम में इंडियन रेलवे में क्या होने वाला है। इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर दो और लोगों के साथ जिनको पता लग जाए कि भैया ऐसा ऐसा भी होने वाला है। फिर आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।